या औलियाउल्लाह है, या औलियाउल्लाह है, या औलियाउल्लाह है। मोहतरम सामीन, अगर हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें, कुरान मजीद का मुताला करें, तो हमें बेशुमार ऐसे वाक़ियात मिलेंगे जो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जब वही की जाती है, इब्तिदा में आप पर वही की जाती है और नबी करीम अलैहिस्सलाम को बतलाया जाता है वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि देखिए हमने हर मिल्लत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा। मकसद ये था अनेबुदुल्लाह, कि अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह की इबादत करो और ताबूत से इज्तनाब करो। वज्तनिबुत तागूत, ताबूत किसे कहते हैं? कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़, चाहे शजर हो चाहे हजर हो, रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात में से जिस चीज़ को, चाहे वो शम्स व कमर हो, चाहे वो कवाकिब हो, जिसको भी रब्बुल आलमीन के अलावा रब बना लिया जाए, ताज़ीम की जाए, बर्तरी की जाए, उसे अजीम मखलूक समझा जाए, वो क्या हो जाएगा? ताबूत के जुमरे में दाखिल हो जाएगा, वो ताबूत के जुमरे में दाखिल हो जाएगा। मोहतरम सामीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया तो आपने अपनी कौम को, अपने अइज़ा अक़ारिब को जमा किया, यकजा किया, सबकी महफिल बुलाई, सबको दावत ताम दिया और क्या फरमाया? अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की तपिश से, जहन्नम की आग से बचा लो। अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, जहन्नम की आग से बचा लो, मैं तुम्हारे लिए ज़र्रा बराबर मालिक नहीं हूँ। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने नबी की बाबत फरमाया, नबी ने कहा कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह, ऐ नबी कह दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं अपने आप के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला मा शा अल्लाह। जब नबी अपनी बाबत कह रहे हैं, नबी को इतना पावर नहीं दिया गया, इतनी कुव्वत नहीं दी गई, इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई जो किसी को हिदायत दे सके, किसी को नफा नुकसान पहुंचा सके। तो आज जिन लोगों की बाबत तरह तरह के अकायद रखते हैं, जिनसे फरियादें करते हैं, जिनसे अपनी ज़रूरतें तलब करते हैं, उन्हें कहाँ इतनी अथॉरिटी है? जब नबी को अथॉरिटी नहीं, रसूलों को अथॉरिटी नहीं, जो उस ज़माने के औलियाउल्लाह शुमार होते हैं, उन्हें इतना पावर नहीं दिया गया, तो आज के मौजूदा ज़माने में कहाँ किसी को इतना पावर मिल सकता है? देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी चाचा को कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाजुलका बिहा इंदल्लाह, ऐ मेरे चाचा मोहतरम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, वहाजुलका बिहा इंदल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस कलमे के जरिए हुज्जत कर लूंगा। अबू जहल बैठा है, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बैठा है, दोनों कहते हैं अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, सही बुखारी की रवायत है, अतरगबु अन अब्दुल मुत्तलिब अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या आप दीन अब्दुल मुत्तलिब से मुनहरिफ हो जाएंगे? क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन को आप तर कर देंगे? आखिरकार अबू तालिब की वफात होती है दीन अब्दुल मुत्तलिब के। नबी करीम अलैहिस्सलाम नहीं हिदायत दे सके, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी जिसे आप चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, जिसे आप चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, और अल्लाह चाहेगा तो हिदायत देगा। तो आज जो अक़ाइद हमारे समाज में, हमारे माशरे में मुसलमानों के माबैन पनप रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, और ये तौहीद, लोग सोचते हैं कि तौहीद बहुत आसान मौजू है, गैर अहम मौजू है। माफ कीजिएगा, तौहीद इतना अहम तरीन टॉपिक है, इतना हसास मौजू है, जिसकी जरूरत है कि माशरे में बारहा इस पर गुफ्तगू की जाए। सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन अल्लामा सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि तौहीद एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है जो हमारे जिंदगी का सबसे अहम तरीन शियार है, सबसे अहम तरीन जुज़ है। हम उठते बैठते हर कैफियत में तौहीद के मोहताज हैं, तौहीद के मोहताज हैं, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी का मकसद रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात की, इंसान की पैदाइश और तख्लीक इसलिए की लियाबुदून, क्यों? मेरी इबादत करें। और हमने खलक़नल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और जिंदगी बनाया, मौत और जिंदगी को पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम परखें, जांचें, एक म्यार देखें कि तुम में से अमल के एतबार से सबसे अच्छा कौन है। देखिए कितना बेहतरीन जुमला कुरान मजीद के अंदर है। अय्युकुम अहसनु अमला। एक नुक्ता बयान करूंगा, रब्बुल आलमीन ने अक्सर अमला नहीं कहा। रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि हम देखें कौन ज्यादा अमल करता है। रब्बुल आलमीन को ज्यादा अमल महबूब नहीं, रब्बुल आलमीन को महबूब यह है अहसनु अमला, अमल के एतबार से सबसे बेहतरीन कौन है। अहसन का मतलब क्या होगा? इंसान जब अमल करता है, ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा है, इसमें एक और नुक्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि इंसान जब अमल करे तो उसके इस अमल में क्या हो, रब्बुल आलमीन की रजा पाई जाए। वो अमल कर रहा हो तो रब्बुल आलमीन के लिए कर रहा हो। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी अगर वो रब्बुल आलमीन के लिए कर रहा है तो उस पर उसे अजर मिलेगा। और रब्बुल आलमीन के करने के साथ साथ तरीका किसका हो, रसूल करीम के बताए हुए तरीके के मुवाफिक हो तो वो अमल काबिल कबूल होगा। अगर अल्लाह के लिए कर रहा है लेकिन तरीका तरीके नबूवी से हटकर है तो वो अमल फासिद। आसनो अमला का मतलब यही हुआ कि इंसान जो अमल कर रहा है वो अमल क्या हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा पाई जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी का तालिब हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुवाफिक हो। तो मोहतरम सामीन, ये तौहीद जो इस्लाम का सबसे अहम तरीन चीज है, आज मुसलमानों की अक्सरियत रब्बुल आलमीन के बकौल वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून कि मुसलमान या मोमिनों की अक्सरियत रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के बावजूद शिर्क करते हैं, गुमराही में मुब्तला हैं, ज़लालत में मुब्तला हैं, फिस्को फुजूर में मुब्तला हैं। और यह हकीकत भी है, हम अपनी निकाहों से इसका मुशाहिदा भी करते हैं कि जिस तरह की बिदअत, जिस तरह के खुराफात, जिस तरह के शिर्क समाज में परवान चढ़ रहे हैं, समाज में परवान चढ़ रहे हैं और सुन्नते रसूल को जिस तरह फरामोश किया जा रहा है। बसा औकात ऐसा होता है जब इंसान को बतलाया जाता है कि ये बिदात है, ये शिर्क है, ये समाज के अंदर ऐसी बुराइयां दर आई हैं, दाखिल कर दी गई हैं जो रब्बुल आलमीन की मना करदा चीजें हैं। तो इंसान क्या कहता है, इंसान क्या कहता है, इंसान कहता है कि आप शिर्क पर गुफ्तगू मत करें, बिदात पर गुफ्तगू मत करें। आप समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं, इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। जब हम लोगों के सामने इस्लामी तालीमात रखते हैं, उन्हें बतलाते हैं कि शिर्क क्या है, बिदात क्या है, और अगर हम शिर्क और बिदात से लोगों को आगाह नहीं करेंगे तो कौन आगाह करेगा? शिर्क और बिदात से लोगों को आगाह नहीं करेंगे तो कौन आगाह करेगा? हमारी जिम्मेदारी यह है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल बयान करता चलूं जिसमें इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं, इन्ना तहज़ीरुल उम्मत मिनल बिदअ वल क़ाइलीन बिहा वाजिबुन। इन्ना तहज़ीरुल उम्मत मिनल बिदअ, उम्मत मोहम्मदिया को, मिल्लत इस्लामिया को बिदात और आले बिदात से मुतनब्बे करना जरूरी है। अगर हम लोगों को बिदातों से वाकिफ नहीं कराएंगे तो वही बिदातें हमारे दीन में दाखिल हो जाएंगी। और जब बिदातें पनपती हैं, और एक किसी का मशहूर कौल है कि एक बिदात ईजाद होती है तो एक सुन्नत मिटा दी जाती है, और कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें एक सुन्नत ना मिटाई जाती हो, एक बिदात ना ईजाद की जाती हो। इमाम इब्न तैमिया ने कहा कि बिदातों पर गुफ्तगू करना, बिदातों से मुतनब्बे करना ये इंतहाई जरूरी है। और इमाम इब्न तैमिया की शख्सियत की बाबत आपको इल्म होगा कि ये वो अजीम इमाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिदातों के इस्तेसाल में गुजार दी। कभी कबूलियों का सामना हुआ तो कभी सूफियों का सामना हुआ, कभी मुतज़िला का सामना हुआ तो कभी खवारिज का सामना हुआ। गर्ज ये कि इन्होंने पूरी जिंदगी इल्म की अशात में गुजार दी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के वाक़ियात का मुताला करें। यही इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ इलाकों से सवालात आते हैं, ज़ोहर में बैठते हैं, असर में पूरी एक किताब तैयार, चाहे अकीदा वास्तिया हो, अकीदा हमुया हो, और बेशुमार किताबें हैं। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन उलमा ने बयान किया है कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की 500 से ज़ायद तसानीफ हैं। उनकी पूरी जिंदगी इल्म में गुजरी। 18-19 साल की उम्र में शाम के अंदर तफसीर का दर्स देने लगे। लिखने वालों ने लिखा, आपकी तारीफ में लोगों ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को उनके लिए इसी तरह मोम कर दिया था जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा मोम कर दिया गया था। लिखने वालों ने लिखा कुल्लुल उलूम बैना नहीं या खुद मायूरीद वतुर्क मायूरीद कि पूरा इल्म उनकी निगाहों के सामने है। तमाम उलूम व फ़नून चाहे हदीस का हो चाहे तफसीर का हो गर्द की उलूम व फ़नून के तमाम दरवाजे उनके सामने खुले हुए थे। जब चाहते जो चाहते ले लेते। यही इमाम इब्न तैमिया है जिनकी बाबत लोगों ने कहा कुल्लु हदीस ला यारिफु इब्न तैमिया फलैसा बिहदीस, हर वो हदीस जिसे इब्न तैमिया नहीं जानते फलैसा बिहदीस वो हदीस ही नहीं हो सकती। इल्म का ये मकाम था उनका। मोहतरम सामीन, तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कौल बहुत अहम तरीन कौल है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी एक कौल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि अन्नर रजुल यसुम व यसल्ली व यातकिफ, एक इंसान है जो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, एतकाफ करता है, हल वो अफजल, क्या वो ज़्यादा अफजल है? एक इंसान जो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, एतकाफ करता है, वो ज़्यादा अफजल है या वो इंसान जो बिदात और अहले बिदात के सिलसिले में गुफ्तगू करता है वो ज्यादा अफजल है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, इन्नर रजुल यसुमा व यसल्ली व यातकिफ फइन्नमा हुवा लिनफ्सिही। इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, एतकाफ करता है, यह अमाल उसके साथ खास हैं, यह अमाल उसके साथ खास है, उसका सवाब उसे मिलेगा। लेकिन एक इंसान जो बिदात और अहले बिदात के सिलसिले में गुफ्तगू करता है, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, माहौल के अंदर लोगों को बतलाता है कि वो जमातें हैं, तहरीकें हैं, तंजीमें हैं जो आपको जलालत की दावत देती हैं, गुमराही की दावत देती हैं, फिस्को फजूर की दावत देती हैं, शिर्क व बिदात की दावत देती हैं, ये इंसान ज्यादा अफजल है। तो मोहतरम सामीन, आज जो लोग इस बात का ढंडोरा पीटते हैं कि शिर्क और बिदात पर गुफ्तगू करना गोया कि समाज को बांटना है, मुआशरे को तकसीम करना है, इत्तेहाद के कलमे को मुनक़सिम करना है, माफ कीजिएगा, हमारा कुरान भी इत्तेहाद की दावत देता है, इस्लाम भी इत्तेहाद की दावत देता है। आइए उस इत्तेहाद की तरफ। कुल या अहल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह व ला नुशरिक बिही शैया व ला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को मुखातब करते हुए कहा कुल या अहल किताब तआलू, ऐ नबी अहले किताब यहूद और नसारा से कहिए तआलू इला कलिमतिन, आओ उस कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तुम्हारी यहूदियत की तालीम, तुम्हारी नसरानियत की तालीम ये थी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश की जाए। वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हर उम्मत के अंदर जो रसूल बनाया गया था उसकी दावत क्या थी, अनबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से इज्तनाब करो। तो आओ यहूद व नसारा तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे माबैन मुश्तरक है, अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत ना करें, अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह व ला नुशरिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम में से एक दूसरे को लोग रब बनाते ना फिरे। आज क्या हाल है? हाल यही है कि माशरे के अंदर, समाज के अंदर लोगों ने रब्बुल आलमीन को छोड़कर रब बना लिया। किसी ने उलमा को बना लिया तो किसी ने जोहला को बना लिया। हालात ऐसे ही हैं, जो जितनी बड़ी पगड़ी पहन ले, जुब्बा पहन ले, दस्तार पहन ले, इल्म नाम की कोई चीज उसके पास ना हो, लेकिन जब जुब्बा और पगड़ी और बड़े बड़े बाल रखने के बाद सबसे बड़े आलिम शुमार किए जाते हैं। तो यही है इन्ना अल्लाह यक़बिज़ुल इल्म इंतज़ान इंतज़ियु मिनल इबाद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से इल्म को छीन लेगा बिक़ब्ज़िल उलमा की वफात के जरिए। और जब उलमा नहीं बचेंगे तो रूस जो हाल से सवाल किया जाएगा, जो हला से सवाल किया जाएगा, फसुइलो सवाल किया जाएगा, फाफ तो वो फतवा देंगे बगैर इल्म, ला इल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर क्या होगा, फजल्लू अजल्लू, खुद तो गुमराह ही हैं, वह अजल्लू, और गुमराह करते फिरेंगे। तो मोहतरम सामीन, ये अकीदे तौहीद जो इस्लाम की सबसे अहम तरीन असास, ठोस और बुनियाद है। जब आप किसी मुशरिक को समझाएं, किसी मोमिन मुशरिक को समझाएं, तो उसे इंतहाई संजीदगी के साथ, इंतहाई बुर्दबारी के साथ, इंतहाई दूरअंदेशी के साथ आप उस पर अटैक ना करें, आप उसे अटैक ना करें, उसे कुरान और सुन्नत के दलाइल के जरिए समझाएं, उस पर ज़्यादती ना करें, उसे कुरान की मिसालें दें, हदीस की मिसालें दें, नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत की मिसालें दें। मिसालें किस तरह देंगे आप? हजरत अलैहिस्सलाम की बाबत तो आप जानते होंगे कि नूह अलैहिस्सलाम अब अंबिया शुमार किए जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम की अदीम तरीन शख्सियत थी, वो अदीम तरीन नबी थे जिन्होंने अपनी कौम के अंदर 950 साल दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम दिया। फलबिथ फीहिम अल्फ सनत इल्ला 50 आमा, 950 साल अपनी कौम के अंदर दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम दिया। रब्बुल आलमीन ने भेजा इन्ना अर्सलना इला कौमिही अनंदिर कौम का मिन कब्ल अय्यतिहुम अज़ाबुन अलीम, कि अपनी कौम को डराओ कब इसके कि उन पर दर्दनाक अज़ाब आए। अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम के अंदर दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम देते रहे। 950 साल तक जब दावत देते रहे, थक गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए, तो रब्बुल आलमीन के सामने फरियाद की, रब्बुल आलमीन से फरियाद की, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं मगलूब हो गया हूँ, मैं मगलूब हो गया हूँ, फंतसिर मेरी मदद फरमा। सूरह नूह के अंदर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रब्बी ला तज़र अल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिनन व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। क्या फरमाया? रब्बी ला तज़र अल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब ला तज़र अल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, इस रुए ज़मीन पर किसी भी काफिर को आबाद न छोड़। ला तज़र अल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका, ऐ मेरे रब अगर तूने इन्हें छोड़ दिया, युज़िल्लू इबादका ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और इनकी जो नस्ल होगी ये फिस्को फुजूर में मुब्तला रहेगी। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बिग़फ़िर ली, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मोमिनों को बख्श दे, मेरे खानदान वालों को बख्श दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से फरियाद की, रब्बुल आलमीन से गुहार लगाई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहस मुबाहिसा किया, समझाया और समझा के हार गए, तो यूं ही रब्बुल आलमीन से नहीं कहा, बल्कि उनकी कौम के लोगों ने क्या किया? क़ाला या नूह कद जादलतना फ़अक्सरता जिदालना फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस्सादिकीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को समझा बुझाकर हैरान हो गए, उनकी कौम मुतालबा करने लगी, काला या नूह कद जादलतना, ऐ नूह आपने हमसे बहुत ही झगड़ा कर लिया, बहुत ही बहसो तकरार कर ली, फ़अक्सरता जिदालना हद हो गई, फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस्सादिकीन, वो अज़ाब ले आओ जिसका तुमने हमसे वादा किया है, हमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, लाओ अज़ाब जिसका तुम वादा कर रहे हो कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम पर रब्बुल आलमीन का अज़ाब नाज़िल होगा, ले आओ अज़ाब। तो रब्बुल आलमीन से फरियाद किया था नूह अलैहिस्सलाम ने, और रब्बुल आलमीन से फरियाद करने के बाद रब्बुल आलमीन ने कहा, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहीना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुगरकून, ऐ नूह वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, हमारी निगाहों के सामने कश्तियों की तामीर करो, कश्तियां बनाओ, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहीना, और हमारे वही की रोशनी में। और एक बात जान लेना, वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुगरकून, जिन लोगों ने ज़्यादती की है, जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने तौबा नहीं की, जो शिरक में मगन है, वला तुखातिबनी, मुझसे मुखातब मत होना, मुझसे उनकी नजात के लिए मत कहना, वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुगरकून, सबके सब डुबो दिए जाएंगे, सबके सब गर्क कर दिए जाएंगे, कश्ती बनके तैयार। रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा कि नूह अपनी कश्ती में हर किस्म के चरिंद परिंद को सबको दो किस्में सवार कर लीजिए, हर किस्म के मखलूक़ात की दो किस्में अपनी कश्ती में सवार कर लीजिए, सवार कर लेते हैं। फफतहना अबवाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर व फज्जरना अल-अर्ज़ उयूनन फल्तक़ल माउ अला अमरिन क़द क़ुदिर, आसमान से मौसलाधार बारिश, आसमान से मौसलाधार बारिश, जमीन से चश्मा बह पड़ा, आसमान से बारिश हो रही है, जमीन से चश्मा उबल पड़े, सबके सब हैरान और परेशान, सबके सब डूब रहे हैं। कैफियत का आलम ये, कैफियत ऐसी है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक अलग थलग बुलंद तरीन चोटी पे खड़ा हुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, वनादा नूहन इब्नहु वकाना फी मअज़रिन या बुनय्या रकब मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा और कहा, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। क़ाल सअवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिमा अल यौम। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है, सअवी इला जबल, मैं किसी